आज आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं सुनाना है, बहुत देर तक यहीं रहना है। बस एक नज्म जो मुसलसल रास्ते पर सोचता आ रहा था और सोच रहा था कि यहाँ बैठूंगा तो वो नज्म पूरी होगी, लेकिन उस अधूरी नज्म को ही सुनाने के लिए अनवर भाई का हुक्म हो गया। मैं नज्म शुरू कर रहा हूँ। अफजल भाई बहुत अलग सी एक नज्म पढ़ता हूँ। बस आप ये तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है, माइक पर मुख्तार अंसारी खड़ा है। मैं नज्म पढ़ता हूँ। आपके आंसुओं का तरफदार हूँ। इमरान नहीं पढ़ रहा है, बस मेरे एहसास तक पहुंचेगा। आपके आंसुओं का तरफदार हूँ, फूल को फूल हूँ, खार को खार हूँ, फूल को फूल हूँ, खार को खार हूँ, जाने किस जुर्म में मैं गिरफ्तार हूँ, जाने किस जुर्म में मैं गिरफ्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। पहला बंद पढ़ता हूं, आप आपकी दुआएं मिले। मैं तो सूरज था उसने दिया कह दिया, हर गजल का मुझे काफिया कह दिया। अगले दो मिसरे पर दुआ मांगता हूं। मुझ पर इल्जाम लगता है कि मैं कभी शायरी नहीं पढ़ता हूं, आज पहली बार पढ़ रहा हूं तो ये लगे कि आप उसे भी सुनते हैं। मैं पढ़ता हूं। मैं तो सूरज था उसने दिया कह दिया, हर गजल का मुझे काफिया कह दिया, ये सियासत का दोहरा चरित्र ही है, कुछ न समझा मुझे माफिया कह दिया। मेरी मासूम सी बस खता एक है। अगले मिसरे पे एक एक शख्स की दुआएं मांगता हूं। मेरी मासूम सी बस खता एक है, बेबसार मजलूमों का यार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, जाने किस जुर्म में मैं गिरफ्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ। अफजल भाई से मैं पिछले दिनों एक मुशायरे में पहली बार मुलाकात हुई। पिछले दिनों यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे तो मुझे मुख्तार भाई के अगेंस्ट किसी शख्स ने मुझे बुलाया और कहा कि इमरान भाई चूंकि आप बहुत पॉपुलर हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे लिए कंपेनिंग करें। हमने कहा नहीं आ सकते। उसने कहा आप आए, हम एक घंटे के लिए आपको लाखों रुपए देंगे। हमने कहा नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकते। मैंने कहा बस मेरे अंदर एक जमीर नाम की चीज है जो मुझसे कहती है कि मुझे मुख्तार अंसारी जैसे इंसान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मैं एक बंद पढ़ता हूँ। हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, मेरे हिस्से में हर एक सितम लिख दिया, मेरे हिस्से में हर एक सितम लिख दिया, नाम
पर सारे दुनिया का गम लिख दिया। अगला मिसरा मऊ में पढ़ रहा हूं और अब एक एक शख्स को कसम देता हूं, आपकी आवाज बन के बोलता हूं कि मेरे हिस्से में हर एक सितम लिख दिया, नाम पर सारे दुनिया का गम लिख दिया। चाहने वालों पर इस कदर ज्यादती, एक एक हाथ उठना चाहिए। चाहने वालों पर इस कदर ज्यादती, एक पटाखा भी फोड़ा तो बम लिख दिया। आप बहुत कमजोर ताली बजा रहे हैं। मैं मऊ में खड़ा हूं, आप बहुत कमजोर ताली बजा रहे हैं। एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। मैं बोलता हूं, इतना अर्जेंट है, मुझे काम पे लिया गया है, ऐसे में तो मेरे हिस्से में दुगनी ताली आनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं ये नज्म, अफजल भाई यकीन करें कहीं नोट नहीं है, बस रास्ते में जहन में जो आ रहा था वो एक खाका बना था और वो बस अनवर भाई ने हुक्म दिया और मुझे भी लगा कि चलो आज अपना इम्तहान ले डालते हैं। मैं पढ़ता हूं, मेरे हिस्से में दुनिया का गम लिख दिया, नाम पर मेरे सारे सितम लिख दिया। चाहने वालों पर इस कदर ज्यादती, एक पटाखा भी फोड़ा तो बम लिख दिया। तुमको जितनी मोहब्बत है इस मुल्क से, ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये सरकारें, मैं पढ़ता हूं, तुमको जितनी मोहब्बत है इस मुल्क से, उससे ज्यादा कहीं मैं वफादार हूँ। हाँ मैं मुख्तार हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ और बहुत सलीके से एक बात कहता हूँ। अभी इधर जो लोग खड़े हैं बिल्कुल इस तरह खड़े हैं जैसे आजकल सरकार में भाजपा वाले चुपचाप खड़े रहते हैं, थोड़ा सा आपकी भी शिरकत है यार, आप भी थोड़ा सा लग जाओ, काम तो ठीक ठाक रहेगा। मैं पढ़ता हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ। मैं कभी मिला नहीं हूँ अफजल भाई उस शख्स से, कभी मिला नहीं हूँ, कभी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन दिल से अजीब सा एक रिश्ता है। मैं पढ़ता हूँ कि आंधियों में सदा मुस्कुराऊंगा मैं, तुम संभालो मुझे काम आऊंगा मैं। वहां तक जो बीच के लोग हैं उन्होंने अब तक थोड़ी सी ताली वाली बजाई, जो पीछे एक शख्स बैठा हुआ है, मैं अगले दो मिसरे पे एक हाथ हवा में उठावा चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं, आंधियों में सदा मुस्कुराऊंगा मैं, आंधियों में सदा मुस्कुराऊंगा मैं, तुम संभालो मुझे काम आऊंगा मैं। सबके दिल से निकालोगे कैसे मुझे, लखनऊ सुने, मैं पढ़ता हूं, सबके दिल से निकालोगे कैसे मुझे, जेल में रह के भी जीत जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही पढ़ रहा हूं, ठीक ठाक पढ़ रहा हूं। आंधियों में सदा मुस्कुराऊंगा मैं, तुम संभालो मुझे काम आऊंगा मैं। सबके दिल से निकालोगे कैसे मुझे, जेल में रह के भी जीत जाऊंगा।
मैं नमाजों में मांगी दुआ जैसा हूँ। मुझे वो मंजर याद है तो मैं बहुत छोटा सा था तो जुमे की नमाज में हमारी मस्जिदों में इतनी दूर दुआएं हुआ करती थी। ये मिसरा वहीं से निकला है। मैं पढ़ता हूँ। मैं दुआओं मैं नमाजों में मांगी दुआ जैसा हूँ, मैं नमाजों में मांगी दुआ जैसा हूँ, ना भुला पाओगे ऐसा किरदार हूँ। हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अभी मैंने मऊ की एक चाय भी नहीं पी है, बैठूंगा एक आध चाय पीऊंगा तब तक एक आध फिर बीच में आ जाऊंगा इंशाल्लाह पढ़ने के लिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ अफजाल भाई। मैंने जितना जाना है आपके परिवार को आप सबको उसे बस एक बंद में कहने की कोशिशें करता हूँ। हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ, जाने किस जुर्म में मैं गिरफ्तार हूँ। हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ। बंद पढ़ता हूँ दोस्तों। सोएगा कोई अब भूखा नंगा नहीं, 2005 आपकी आंखों में है। मैं पढ़ता हूं। सोएगा कोई अब भूखा नंगा नहीं, इस शहर में कभी होगा दंगा नहीं। इधर इधर जो लोग हैं कैसे शिकायत है मेरी। अगले दो मिसरे पे मैं कसम देता हूँ एक एक हाथ को, अगर जरा सी भी मोहब्बत करते हैं मुझसे और मुझसे तो एक एक शख्स का हाथ हवा में उठा हुआ नजर आना चाहिए। मैं अगले दो मिसरे पढ़ता हूँ। कि सोएगा कोई भूखा नंगा नहीं, इस शहर में कभी होगा दंगा नहीं।